सुंदर पॉइंट कहते हैं परम पूज्य रातानाथ स्वामी महाराज, क्या? पीपल आर मेंट टू बी लव्ड, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, बट द प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू यूज पीपल एंड लव थिंग्स. प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू यूज पीपल एंड लव थिंग. मैटर्स डजेंट मैटर, बट नाउ बहुत गंभीर बात है ना, इसे हमें अपने जीवन में उतारने लायक बात एकदम. देखिए, व्यक्तियों से वास्तव में प्रेम करना चाहिए, समझ रहे? व्यक्तियों से वास्तव में प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए. लेकिन हम आजकल लोगों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और वस्तुओं से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैप्पी. तो खुश रहने का एक बहुत सुंदर सूत्र परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, क्या? ट्राई टू लव पीपल एंड यूज थिंग्स, नॉट टू लव थिंग्स एंड यूज पीपल. समझ रहे हैं बात को? वस्तुओं से प्यार करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति से, आदमी से, इंसान से प्यार करो और वस्तुओं का यूज करो. लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं और व्यक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है. यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. पेन वो लिखो और फेंको पेन आता था ना, राइट एंड थ्रो, उस पेन की तरह यूज कर रहे हैं और फेंक दो. ये अजीब स्थिति है ना. यह आजकल एक मतलब ये कमाल का असंवेदनशीलता आप देखने को मिल जाएगा आपको. और यह क्यों हो रहा है? भक्ति नहीं करने के कारण है ना. और अब एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन आज की स्थिति लोग बस पैसे बचा लो, धन बचा लो, बस इसी में लगा हुआ है. व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं रह गई है ना. तो इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं ना, तो हम वस्तु नहीं, पैसे नहीं, हम व्यक्तियों से, इंसानों से प्यार करना सीखे. वस्तु तो अगर प्रेम रहा तो फिर कभी भी खरीदा जा सकता.